Hey guys, welcome back to another episode of Minecraft. और हम ऑफ कैमरा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे केव्स और हमको मिला मेरा फर्स्ट डायमंड। हमको तीन डायमंड्स मिला है और थोड़ा सा यहाँ पे हम एक और चेस्ट लगा दिए हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको होता है केव एक्सप्लोरेशन में फूड का, तो हमको अब जो एक रिलायबल सोर्स चाहिए फूड के लिए। पहले देखते हैं अभी डे हो रहा है या नाइट हो रहा है। अच्छा, तो अभी डे टाइम होने वाला है, तो अभी बहुत अच्छा मौका है, हम एक पिग फार्म बना लेते हैं, यानी तो कॉ फार्म। वैसे कॉ फार्म तो एक्चुअली कोई भी फार्म नहीं बन सकता शायद। हमको लगता है पहले हमको जो है ना एक नॉर्मल वीट फार्म बनाना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, तो जो भी हो पहले उसका तैयारी कर लेते हैं हम। तो अब हम अपने लिए सारा सामान रेडी कर लिए हैं। थोड़ा सा सोवेल हो गया है, दो गो सोवेल बना लिए हैं, दो गो हो बना लिए हैं। और अब बारी है इस एरिया को थोड़ा क्लियर करने का और लेवल करने का, ताकि मेरा फार्म जो है बन सके यहाँ पे सही से। तो आई गेस हम इस एरिया को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे मोस्ट लाइकली, सही रहेगा इतना का। तो चारों मार्किंग्स हो गया है, यहाँ पे वहाँ एक है, एक वहाँ एक यहाँ। अब है कि सारा जो है ये ग्रास हटाना है। तो प्रिटी मच सारा ग्रास जो है हट गया है, थोड़ा बहुत सीड्स है कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे इस फील्ड को लेवल कर देंगे। थोड़ा सा अब हम डर्ट कलेक्ट कर लेते हैं ताकि अपना फार्म को भर सके। ओके, तो पूरा एरिया तो फिलअप हो गया है, अब बस यहाँ पे हो करना है और पानी ये डालना है और क्रॉप्स उगाना है। ओके, तो अब प्रिटी मच जो है फार्म रेडी हो ही जाएगा। इस सारे पानी के ऊपर जो है हम ट्रैप डोर दे देंगे, जिससे कि हमको बार बार जो है प्रॉब्लम नहीं होगा कि जैसे यहाँ से जा रहे हैं और इसमें गिर गए फिर बाहर निकलो। टाइम है इसको थोड़ा सा फार्म लैंड बनाने का।
एक्सटीरियर पे यहाँ पे थोड़ा सा हम डर्ट दे देते हैं ताकि हमको ऊपर नीचे जाने में इजी रहे। तो मेरा हो जो है ब्रेक हो गया है। अब जितना सीड से हम प्लांट कर देते हैं बाद में और सीड्स आएगा तो उसको भी प्लांट कर देंगे। एक क्राफ्टिंग टेबल है ना, हमको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, सही रहता है। अब जो इस सारा वाटर को कवर कर देंगे जिससे कि हम इसमें गिरेंगे नहीं, जैसे ऐसे जा रहे हैं इसमें गिर गए वो ना होगा। और अगर इस पे जंप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल गया, इसी पे दिखा देते हैं जंप करके। फार्म लैंड के ऊपर जंप करने से जो है फार्म लैंड खराब हो जाता है, तो खराब हो गया तो इसीलिए इसमें अगर पानी में गिरेंगे और बाहर निकलने के लिए जंप करेंगे तो हो सकता है फार्म लैंड जो है खराब हो जाए, क्रॉप्स अपने आप बाहर आ जाए और आधा ग्रो किया हुआ क्रॉप जो है कुछ नहीं मिलता है उससे, तो वेस्ट ही होगा। तो इसीलिए इससे अच्छा रहेगा कि हम पहले प्रिजर्वेटिव मेथड्स यूज कर लें। तुमको ऊपर जाके देखना, ऊपर क्या है, इतना देर से यहाँ है लेकिन कभी ऊपर जाके देखे ना ऊपर है क्या। क्या अच्छा खासा प्लेन्स है, पूरा अच्छा स्ट्रेच किया। ओ कॉज है, हमको बाद में जो ये गाय का जरूरत पड़ेगा क्योंकि स्टेक जो है सबसे अच्छा फूड होता है नॉर्मली, मतलब कि अगर सबसे अच्छा देखा जाए तो गोल्डन कैरेट होता है, लेकिन उसके लिए बहुत गोल्ड चाहिए। उतना गोल्ड है नहीं मेरे पास, ना ही कोई गोल्ड फार्म है, तो उसके अलावा जो है स्टेक सबसे अच्छा फूड रहेगा। और उसके लिए मेरे पास अभी वीट फार्म भी तैयार हो रहा है, मतलब कि वीट फार्म तो तैयार हो चुका है, बस उसमें वीट ग्रो होना बाकी है अब। और कॉ को रखेंगे कहाँ, उसके लिए भी हमको है ना पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए सारा चीज़। और जैसा कि हमको पता है कि शायद 21x21 एरिया में अगर मतलब कि कोई भी अगर जानवर है पैसिव मॉब, उसके पास 21x21 एरिया है तो डिस्पॉन नहीं होगा। और अगर उसके पास मूव करने के लिए उससे ज़्यादा जगह है तो डिस्पॉन हो सकता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, और अगले एपिसोड में हम मोस्ट लाइकली एक कॉ फार्म बनाने वाले हैं और एक बेड भी बना लेंगे। बाय।